लॉकअप एक ऐसा रियलिटी शो जिसने सचमुच में हमें अमेजिंग जेम्स दिए, चाहे वो मुनव्वर हो, चाहे हो वो साइशा, चाहे हो वो पायल रोहतगी, या फिर हो अंजलि अरोरा, या फिर बाकी के और कलाकार। दोस्तों, लॉकअप का फिनाले अब जल्द कुछ दिनों में हमारे सामने होगा और आप लोगों ने अपने टॉप 5 भी मुझे बता दिए हैं और कंटिन्यूअसली मुझसे एक सवाल मेरे लाइव सेशंस में या फिर वीडियोस में पूछा है कि राहुल भोज भाई, ये बताओ कि आपका टॉप 5 कौन सा है, आप टॉप 5 में किसे देखते हैं। भाई, मैं यहां पर जो टॉप 5 बताने जा रहा हूं उसमें दोस्तों 100% वो करेक्शन के साथ होगा। जी हाँ, आप लोगों को बताता हूं अपना प्रेडिक्शन विद डिटेल व्यू। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि आपसे वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्रिप्शन नहीं करते हो, तो कर लो, कम से कम सब्सक्राइब कर लो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए RHULBHOJ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो आप क्लिक करोगे ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी इस वक्त 8 कैदी बचे हुए हैं लॉकअप में, जिसमें से एक बंदा यानी कि शिवम शर्मा बूम बाम टॉप 5 में ऑलरेडी पहुंच चुका है। टॉप 5 की इस रेस में जब शिवम शर्मा पहुंचा तो उसके बाद खेल एक अलग ही धर्रे पर शुरू हो गया। यहाँ पे जो स्ट्रांग था वो वीक नजर आने लग गया, जो वीक था वो स्ट्रांग नजर आने लग गया। क्या लगता है किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइए बताता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अंजलि अरोरा धीरे धीरे करके जो कि स्ट्रांग बन गई थी मुनव्वर के साथ रहकर, जैसे ही मुनव्वर को धोखा दिया वैसे ही धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं वीक भी लगती हुई नजर आए। एक्चुअल में वीक लगने की बात नहीं है यहाँ पर, अगर उसने धोखा दिया तो दिया, उसे वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है या जिस तरीके से वो चीजें कर रही है कि मुझे माफ कर दे मुन्ना, मुझे माफ कर दे, तो उसके कारण वो वीक नजर आ रही है। तो अंजलि जो है टॉप 5 की रेस से आउट हो चुकी है। शायशा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसवुमन है भाई, स्ट्रांग है, इसने खिलाड़ियों को जिताया है, तो ये तो आगे तक जाएगी ही जाएगी। बट सॉरी बॉस, मेरी टॉप 5 की लिस्ट में ये नहीं आती है। मेरी टॉप 5 की लिस्ट में अगर बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं गिना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बस टॉप 5 को ऐसे ही बता रहा हूँ। शिवम शर्मा, जैसे कि हम सबको पता है कि वो टॉप 5 की रेस में पहुंच चुके हैं, उन्हें अब कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं, अंटिल एंड अनलेस एकता मैम ना चाहे। चलो भाई, वो टॉप 5 में तो पहुंच गए अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने बूम बाम एटीट्यूड के कारण में पहुंचे, जो कि शो में एक्चुअल में मजे कर रहे थे। फिर उसके बाद जो मुझे लगता है टॉप में होंगी वो होंगी आजमा फला। आजमा ने आते ही अपनी जगह बनाई, स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल्ड कार्ड में से एक नजर आई। बिग बॉस में भी तक इतने स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल्ड कार्ड नहीं पहुंचे दोस्तों जितनी आजमा थी, और आजमा अगर टॉप 5 में जाती है तो सचमुच में बवाल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और कौन 3 लोग हैं वो, तो भाई एक तो है नन अदर देन पूनम द सिस्टर पांडे। पूनम पांडे अपने हॉट और उम फैक्टर के कारण अब चर्चाओं का विषय और भी ज्यादा बन गई है। पूनम वल्नरेबल भी है, साथ ही साथ स्ट्रांग भी है, एंड बैडएस की अगर बात करें तो यस, पूनम ने अपनी क्वालिटी ये भी दिखाई है। तो मेरी नजर में पूनम प्रॉपर वो कंटेंडर है। इनफैक्ट इस बार जो वोटिंग ट्रेंड है तो पूनम सेकंड पोजीशन पर है इनफैक्ट, और मुनव्वर फर्स्ट पोजीशन पे। मुनव्वर से याद है, आप लोगों को लगता है कि वो टॉप 5 में नहीं आएंगे, सॉरी बॉस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुनव्वर की वजह से तो खेल चल रहा है आगे। तो मुनव्वर दोस्तों टॉप 5 में नजर आएंगे, बवाल तरीके से नजर आएंगे, और मुनव्वर के जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। भाई बची अब कौन, एक और नंबर बच गया, 5 में से मैंने आपको 4 बता दिए, एक और नंबर बच गया, तो वो है पायल रोहतगी। पायल रोहतगी वो स्टार खिलाड़ी है जो कि डे 1 से बवाल कर रही है। पायल के कुछ मुद्दे जेन्युइन होते हैं, कुछ मुद्दे बेसर पैर के होते हैं, पायल की कुछ बातें चुभती हैं लेकिन कुछ बातें हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। पायल एक्चुअल में देखा जाए तो जो इस शो का फॉर्मेट है बैडएस बैडएस बैडएस, उस बैडएस कैटेगरी को फुलफिल करती है, तो पायल रोहतगी के भी जीतने के चांसेस हैं। और मैंने तो आपको ऑलरेडी बोल दिया है ये तो टॉप 5 है, लेकिन टॉप 2 में मुनव्वर वर्सेस पायल होगा, आप लिख के लीजिए आपके कौन से टॉप 5 हैं जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना।